नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष एजुकेशन समाचार पर। इस वक्त की बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर, सफाई कर्मी भर्ती 2023 से जुड़ी हुई। जी हां, सफाई कर्मी भर्ती 2023 जो कि 13,184 पदों पर होने वाली है और 16 मई से इसके आवेदन भरे जाने थे। आरक्षण से जुड़ी हुई, जी हां, वाल्मीकि समाज के आरक्षण से जुड़ी हुई आज की बहुत बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो आशीष एजुकेशन समाचार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आप सभी प्रकार के एजुकेशन न्यूज, रोजगार समाचार, आगामी भर्तियों की घोषणा, रिजल्ट्स, आंसर कीज और दैनिक समाचार, यह सभी अपडेट सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में आरक्षण से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर जो कि वाल्मीकि समाज से जुड़ी हुई है। सफाई कर्मी भर्ती 2023 में आया एक नया मोड़। 16 मई से भरे जाने थे आवेदन, 13,184 पदों पर होने वाली भर्ती। जी हां, जानते हैं पूरी अपडेट। सफाई कर्मियों की भर्ती पर फिर से विवाद। जी हां, राज्य में 13,184 पदों पर 16 मई से भरे जाने थे आवेदन, सरकार ने विवाद को देख भर्ती प्रक्रिया ही निरस्त कर दी। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट आज की समय की। जानते हैं पूरी अपडेट इसके बारे में। वाल्मीकि समाज ने भर्ती में आरक्षण हटाने की मांग उठाई, विधि विशेषज्ञ बोले बदलाव संभव नहीं। जानते हैं पूरी इसकी विस्तृत जानकारी वीडियो में, बने रहे अंत तक। 2018 में 11,000 पदों की भर्ती के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते बजट में 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती की जो है ऐलान किया था। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, बजट सत्र में यह घोषणा की गई थी। जानते हैं इसकी पूरी अपडेट। जी हाँ, शासन विभाग ने सिर्फ 13,184 पदों पर ही भर्ती निकाली। भर्ती में आरक्षण प्रक्रिया का ऐलान होते ही वाल्मीकि समाज विरोध में उतर गया। जी हाँ, जैसे ही इस भर्ती का ऐलान हुआ तो वाल्मीकि समाज जो कि आरक्षण से जुड़ी हुई बात के लिए मैदान में उतर गया। पूरी अपडेट आपको बताने वाले हैं आखिर क्या है ये मामला। मांग की यहाँ आरक्षण पद्धति खत्म कर सारे पद वाल्मीकि समाज से भरे जाए। जी हाँ, वाल्मीकि समाज का कहना है कि आरक्षण पद्धति को खत्म करके पूरे ही जो पद है वाल्मीकि समाज से ही भरे जाएं। दबाव में सरकार ने भर्ती प्रक्रिया ही निरस्त कर दी। जी हां, फिर सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। 8 फरवरी को मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारियों के 30,000 पदों पर भर्ती करने का ऐलान किया था। 21 अप्रैल को DLB डायरेक्टर प्रदेश के 176 निकायों में 13,184 पदों के लिए भर्ती निकाली। जी हां, पूरी अपडेट आपको इसमें बताने वाले हैं। इसमें बीकानेर नगर निगम में 121, नौखा में 102, श्री डूंगरगढ़ में 129, देशनोक में 46 पदों की भर्ती की मंजूरी शामिल थी। 16 मई से इसके आवेदन शुरू होने वाले थे, लेकिन सफाई कर्मचारी यूनियन और वाल्मीकि समाज ने आंदोलन शुरू कर दिया। उनकी मांग थी कि ये काम वाल्मीकि समाज ही करता है, इसलिए यहाँ आरक्षण प्रक्रिया हटाई जाए। जी हाँ, बहुत बड़ी अपडेट है, और जान लेते हैं पूरी अपडेट इसके बारे में। जयपुर में आंदोलन शुरू हुआ तो दबाव में सरकार ने 26 अप्रैल को, जी हाँ 26 अप्रैल को भर्ती प्रक्रिया ही रोकने के आदेश जारी कर दिए। अब वाल्मीकि समाज कह रहा है कि सरकार ने सहमति दी है कि भर्ती में वाल्मीकि समाज को खास तवज्जो दी जाएगी, तभी भर्ती होगी। दूसरी मांग थी कि जो अन्य समाज के लोग आवेदन कर रहे हैं उनमें पहले, जी हाँ उनसे पहले 15 दिन सफाई कराई जाए, जी ध्यान से देख ले इसमें, तब उनके आवेदन मान्य हो। जी हाँ, आंदोलन का फायदा सरकार ने उठाया और भर्ती रोक दी। संभव है सरकार इनकी जो है भर्ती प्रक्रिया वापस शुरू ही ना करे। इसके अलावा जान लेते हैं, सीएम नहीं बदल सकते आरक्षण प्रक्रिया, विधि विशेषज्ञ। देखिए विधि विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, यह भी आपको इस वीडियो में बता देते हैं। भले ही वाल्मीकि समाज को सरकार ने यह आश्वासन दिया हो कि सफाई कर्मचारियों के पदों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को खास तवज्जो दी जाएगी, लेकिन संविधान और कानून के जानकारों का कहना है कि आरक्षण प्रक्रिया में बदलाव का अधिकार सीएम के पास नहीं है। न्यायालय का ही निर्णय है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर सरकार वाल्मीकि समाज को अनुसूचित जाति कैटेगरी से ज्यादा, जी हां ऐसी कैटेगरी से ज्यादा आरक्षण देकर पदों को भर्ती है तो कोर्ट में चुनौती दिया जा सकता है और भर्ती पर रोक जो है रोक लग सकती है, क्योंकि संविधान और कानून से ऊपर कोई नहीं, परंपराओं के आधार, जी हां परंपराओं के आधार सरकारी पदों पर भर्तियां
नहीं होती, भर्ती कानून के दायरे में ही होगी। आरक्षण पैटर्न में बदलने का अधिकार लोकसभा और राज्यसभा और अंत में राष्ट्रपति को ही स्वीकृति से होगा। यह जो अपडेट है विधि विशेषज्ञ एडवोकेट बिहार सिंह राठौर जी के द्वारा दी गई है। तो आखिरकार जो है सफाई कर्मी भर्ती जो कि 13,184 पदों पर होने वाली है, 16 मई से इसके आवेदन शुरू होने वाले थे। वाल्मीकि समाज के आरक्षण से जुड़ी हुई आज की बहुत बड़ी अपडेट आपको इस वीडियो में बताई गई। जैसे ही दोस्तों इस भर्ती से संबंधित या सफाई कर्मी भर्ती 2023 से संबंधित कोई नई अपडेट जैसे ही प्राप्त होगी आपको हमारे चैनल पर जो है जानकारी दी जाएगी। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार की एजुकेशन न्यूज, रोजगार समाचार, आगामी भर्तियों की घोषणा, रिजल्ट, आंसर कीज और दैनिक समाचार, इन सभी अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। आपसे एक छोटा सा निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।